मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर ही बता दी कि सीधी माँ एक बार फिर से ट्रैक्टर ऋण के घोटाला तूल पकड़त नजर आवला है। चमोड़ी पुलिस के द्वारा 12 नामजद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया है, जेके बाद हड़कंप की स्थिति निर्मित हुए। बता दें कि 2 करोड़ रुपया से अधिक के धनराशि के गबन के यह मामला जोन है जुड़ा है, जहां न्यायालय में चालान पेश करे के बाद हड़कंप मचा है। तिवंद क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दें कि सीधी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सीधी के ब्रांच गांधी ग्राम के द्वारा ट्रैक्टर वितरण के नाम पर आदिवासी किसानन के साथ करीब 2 करोड़ के जालसाजी के मामले में आरोपी के खिलाफ जमुई पुलिस के द्वारा न्यायालय में चालान पेश किएगा, जिसके बाद अफरा तफरी मची है। नामजद 12 आरोपी के अलावा इस मामले में तथा कथित तहसीलदार पटवारी के साथ विधिक क्षेत्र के लोग खला जालसाजी के शिकार हो सका था। साल 2011, 12 और 13 में 143 ऐसा किसान रहे जिनके नाम पर गांधी ग्राम ब्रांच के 4 सेवा सहकारी समिति के द्वारा फर्जी ट्रैक्टर ऋण तैयार करके भोले भाले गरीबन के नाम पर 2 करोड़ रुपया के चूना लगा भगा रहा। ट्रैक्टर ऋण घोटाला घटनाक्रम में तत्कालीन कलेक्टर सीधी के द्वारा एडीएम सीधी की अध्यक्षता में जांच के खातिर 4 सदस्यीय टीम के गठन किया रहा। जांच समिति के सदस्य तत्कालीन नायब तहसीलदार दीपेंद्र सिंह तिवारी के साथ राजस्व पुलिस और सहकारिता टीम के द्वारा सरकारी फर्जीवाड़े के दस्तावेज का खंगाल के आग तलगाए दिन गए, लेकिन मामला ठंडा अवस्था में पड़ा रहा। एक बार फिर से जमोड़ी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गए, जैसे मामला तूल पकड़ ली सी। बताया दें कि दिसंबर महीना के पेंडेंसी दूसर माननीय हाईकोर्ट जबलपुर के समय सीमा 120 दिवस पूरा होए के नाते मामला एक बार फिर से न्यायालय के दहलीज में पहुंच चुका है। पुलिस के द्वारा पेश किए जाने वाले चालान के बाद बंजर भूमि या गैर पट्टेदारन के नाम लोन सेंशन करावे वाले शेष तथा कथित और अन्य आरोपी पर घलाए अब तलवार लटकने वाली है। विधानसभा चुनाव के कारण एक ओर जहां प्रशासनिक गति धीमी है, तो दूसर कई सियासी पारा मपिरोए जाए अपने आप का निर्दाग जे मान चुके रहे, अब उनके ऊपर फिर से संकट के बादल मंडराए लगे हैं। ट्रैक्टर ऋण माफिया के द्वारा आदिवासी के साथ की जाए वाली धोखाधड़ी के परत खुले में देर भले लग जाए, लेकिन अंधेर नहीं आए। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।